ये देना। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। तेरा पता पूछा करे, खुला पता है दिल। तू कम से कम ये तो बता, क्या चाहे तेरा दिल। तेरा पता पूछा करे, खुला पता है दिल। तू कम से कम ये तो बता, क्या चाहे तेरा दिल। मैं जितनी बार मिलूं, मुझे कम ही लगता है। दिल सीधा साधा था, अब संकी लगता है। सो हे गाइस, वेलकम टू द होम ऑफ एनीमे। सो आज इस वीडियो में मैं शाउट आउट दूंगा ओपी निंजा को, बिकॉज उनका कमेंट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। सो ओपी निंजा की चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको भी चाहिए चैनल पर शाउट आउट, तो कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और हाँ, अगर आप पोकेमॉन जर्नीज देखते हो तो मुझे ध्यान से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, बिकॉज मैं वहाँ पर जर्नी से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स देने वाला हूँ, इंक्लूडिंग अवर कैलोस क्वीन शरीना। सो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सो आज हम बात करने वाले हैं एक अंश एक से बढ़कर एक शो के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड ऑसम चीजें मिस कर दोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली आज एक ऐसा शो रिलीज़ हो चुका है जिसका हम एनीमे फैंस बहुत समय से वेट कर रहे थे, बिकॉज उसका नेम थोड़ा अलग और इंटरेस्टिंग था और उसकी एनिमेशन भी काफ़ी डिसेंट लग रही थी। सो आज फाइनली एकांश शो रिलीज़ हो चुका है, और हाँ, उसका नेम एकांश नहीं बल्कि एकांश है, जो कि एक सुपर हीरो है जिसके पास स्नेक के पावर्स है। सो पहले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि एकांश के पावर्स, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे इंस्टीड ऑफ अनदर एनिमेशंस, बिकॉज किसी को लड्डू खाकर पावर आता है और किसी को भाई समोसे खाकर। बट भाई, हमारा एकांश बिल्कुल नेचुरल है। और इस शो में एक और अच्छी बात है कि शो का मेन कैरेक्टर यानी कि एकांश बिल्कुल मैच्योर है और फालतू की कुछ कॉमेडी भी नहीं है, लाइक मोटू पतलू एंड शिवा, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके अलावा एकांश का एक फ्रेंड है जिसका नेम है चीकू, और सिर्फ चीकू को ही एकांश की पावर के बारे में पता है। और उसके अलावा एकांश की फैमिली में उसके मॉम, डैड, सिस्टर और एक रोबोट है। और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उसके अलावा एकांश एक स्टूडेंट भी है, हमें एकांश की स्कूल भी देखने को मिली। और उसके अलावा एकांश के राइवल्स भी हैं जो कि चीकू को बहुत परेशान करते हैं, और कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत मस्त था। मतलब भाई मज़ा ही आ गया, बिकॉज पहले एपिसोड में हमें एकांश की पावर देखने को मिलती है, और सेकंड एपिसोड में मास्क, और फिर थर्ड एपिसोड में हमें देखने को मिलता है उसका पूरा सूट, जो कि लिटरली गाइस बहुत ही मस्त लगा मुझे। बाय द वे, शो काफ़ी अच्छा था, तो आप लोग भी शो को इन्जॉय कर सकते हो। मैं इस शो को रेटिंग्स दूंगा 10 out of 7, बिकॉज फाइनली कार्टून नेटवर्क पर कोई अच्छा शो आ चुका है। सो आपको कैसा लगा शो, अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो ये रही आज की एनिमे क्विज, सो जल्दी से कमेंट कर देना, एक अच्छा सा आंसर दे देना, ताकि आपको भी एनिमे क्विज विनर में सिलेक्ट किया जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि आपको हमारी चैनल पर इसी तरह से एनिमे रिलेटेड ऑसम कंटेंट देखने को मिलते रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।